इलेक्ट्रिकल के वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक कूलर की मोटर में शाफ्ट किस प्रकार से निकालते हैं और किस प्रकार से दोबारा लगाते हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास इसमें एक रोटर है और एक प्लास्टिक हैमर चाहिए, एक लोहे का हैमर है और एक स्केल चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें शाफ्ट जितनी लगी हुई है उसका माप लेंगे। तो ये स्केल है, इसकी सहायता से ये इस साइड में कितनी शाफ्ट बाहर है, तो स्केल से हम मेजर करेंगे इसको। यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें ये 3.5 सेंटीमीटर इधर हमारे शाफ्ट बार है, मेजर कर लिया है। जब दोबारा लगाएंगे तो इतना ही हम इसको बार रखेंगे। अब हम इसको निकालने के लिए या तो हम लोहे की हैमर से इस्तेमाल करते हैं, तो रोटर को पकड़ेंगे सबसे पहले और इस पर प्लास्टिक हैमर से ठोकेंगे। यहाँ पे दूसरा तरीका है कि हम लोहे की हैमर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शाफ्ट ये फैल जाएगी। तो इस पर अगर लोहे की हैमर से ठोकना है तो हम इस पर कोई लकड़ी का कोई भाग रख करके फिर अपन उस पर ठोकेंगे। इस तरीके से लकड़ी का भाग रख करके उस पर ठोकेंगे ताकि शाफ्ट बैंड नहीं हो। या आपके पास प्लास्टिक हैमर है तो प्लास्टिक हैमर से ठोक सकते हैं। आप इस तरीके से हाथ में रख करके ठोक सकते हैं। अगर ऐसे नहीं निकले तो आपके पास जो वायर की जो वाइंडिंग करते हैं उसकी ट्रे होती हैं, उन ट्रे के अंदर रख करके ठोक सकते हैं। तो हम पहले ऐसे ट्राई कर रहे हैं, तो इसकी सहायता से हम इसको ठोकते हैं। देखिए शाफ्ट बाहर जा रही है, इसमें ये आपके शाफ्ट बाहर आ चुकी है। इस तरीके से शाफ्ट बाहर आ चुकी है। अब देखिए हम एक नई शाफ्ट लेकर के अब इसमें लगाना चाहेंगे। ये शाफ्ट निकाल दिया है, नई शाफ्ट दीजिए, ये नई शाफ्ट है, अब इसको लगाएंगे। देखिए लगाने के पश्चात अब इसको हम हाथ में रख करके हथौड़ी से ठोकेंगे यहाँ पे। इस तरीके से लोहे की हथौड़ी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, अगर इस्तेमाल करना है तो हमें यहाँ पे कोई लकड़ी का भाग रख के ठोकना पड़ेगा। अब ये कितना बाहर था उसको मेजर कर लेंगे हम एक बार। यहाँ पे हमारा 3.5 सेंटीमीटर का ये जो शाफ्ट है बाहर था उसको अपन देख लेंगे। अभी थोड़ा ज़्यादा है, 4 सेंटीमीटर थोड़ा कम करना पड़ेगा, 4-5 mm, तो 4 mm बाहर है थोड़ा, तो अभी हमें थोड़ा और ठोकना पड़ेगा। वापस देखते हैं हमारा साइज़, ये 3.5 सेंटीमीटर आ चुका है, अभी 3.5 इतना ही पहले था हमारे। इस प्रकार से हमने इस रोटर में शाफ्ट लगा दिया है। तो इस प्रकार से हम चाहें तो ये कूलर की मोटर की शाफ्ट है, इसी प्रकार से आप लोग सीलिंग फ़ैन में शाफ्ट खोल सकते हैं, लगा सकते हैं, टेबल फ़ैन में शाफ्ट लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, छाछ मदानी में चेंज कर सकते हैं। तो छोटी मोटर हैं उनका शाफ्ट लगभग मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप इनमें शाफ्ट निकालना और लगाने का काम कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।